दमा एक ऐसी बीमारी जो आपके फेफड़ों में ऑक्सीजन को रोकता है। इसमें आपको बलगम भी बहुत ज़्यादा बनता है। अगर आप लोग इस बीमारी के लिए घरेलू नुस्खे अपनाना चाहते हैं जिन्हें अपना के आपको राहत मिल सकती है, जानते हैं हकीम सुलेमान खान साहब से वो बेहतरीन असरदार नुस्खा जो आप आसानी से अपना सकते हैं। दमे के लिए मैं घरेलू नुस्खा भी नहीं बताता आपको, दवा ही बता देता हूँ। माजून आर केयर बच्चे को दें और एक चम्मच सुबह निहार मुँह खाली पेट गर्म पानी या चाय से दे दें, एक चम्मच रात को। और बच्चा भी आपका बहुत स्वाभिमानी है, भगवान उसको अच्छा भी करेगा जल्दी, लेकिन दवा खाना ज़रूरी है, हर किसी को ज़रूरी है। डॉक्टर्स को भी दवा खानी पड़ती है, हर किसी को दवा खानी पड़ती है अपनी ज़रूरत में, तो दवा तो ज़रूर खिलाएं। ऐसे ही तमाम बीमारियों के असरदार घरेलू उपायों को जानने के लिए आप हकीम सुलेमान जी के इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल हकीम सुलेमान पर जरूर आएं। राजस्थान से हैं लक्ष्मी जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। जी नमस्कार सर, बताइए, सवाल करिए। मैं गैस परेशान हो रही हूँ, परेशानी हो रही है गैस से, कभी पीठ के पीछे आ जाती है कभी बाहर। अच्छा देखिए, गैस, एसिडिटी, कब्ज, ये सब शुरुआत है आदमी को रोग ग्रस्त होने की, यहाँ से शुरुआत हो जाती है। हमारी बॉडी रोगों को कबूल करने लगती है। अब एक तो ये है कि गैस की गोली ली, खाई, ठीक हो गए, फिर हो गई। एक ऐसा भी नुस्खा जो आपके पूरे पेट के सिस्टम को, पेट के निज़ाम को दुरुस्त कर दे, और वो मैं अक्सर बताता हूँ और बहुत प्रचलित और बहुत कामयाब नुस्खा है। देखिए, सौंफ, सौंठ, ज़ीरा, आपके किचन की चीज़ें सारी लिख लें जल्दी से। सौंफ, सौंठ, ज़ीरा, अजवाइन, धनिया और मेथी का दाना, ये छह चीज़ें। एक बार और बोल देता हूँ, सौंफ, सौंठ, ज़ीरा, अजवाइन, धनिया और मेथी का दाना, और इन सबको जैसे 100-100 ग्राम लेकर पाउडर बनाकर, चूर्ण बनाकर रख लें। ये दुनिया का विशेष नुस्खा है। और एक आता है नमक जैतून। नमक जैतून एक नमक जैसा ही दिखने वाला पदार्थ है जो स्वाद में नमकीन नहीं होता, ये नकली भी बहुत मिलता है, असली ले लें। एक चुटकी नमक जैतून अलग से ख़रीद के रखें, एक चुटकी नमक जैतून पानी में मिला दें, बस एक चुटकी इतना, और इस पानी से आप ये छह चीज़ों का पाउडर खाएं, चूर्ण खाएं और पानी पी लें। ये एक दिन में दो बार कर सकते हैं, खाने से पहले या खाने के बाद लिया जा सकता है। ये आपके पूरे पेट का सिस्टम, एसिडिटी हो, कब्ज हो, बवासीर हो, लीवर की वजह से पेट ख़राब रहता हो, किडनी की वजह से रहता हो, वर्म हो गया हो कहीं, अक्सर फैटी लीवर हो जाता है, पेट में, आंतों में वर्म हो गया हो, इन सब रोगों के लिए अच्छा नुस्खा है, आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जी बरेली से हैं श्री, स्वागत है आपका। नमस्कार मैम। जी नमस्कार मैम। जी मेरे तीन सवाल है मैम, और मुझे कुछ कहना भी है हकीम साहब के लिए। जी जी, पहला सवाल है मेरा हकीम साहब, मेरी नानी जो फालिज ज़्यादा थी, अब उनका एक पैर जो फालिज ज़्यादा था वो उसने लगाया है हकीम साहब। पहले उसमें जूते को जब पहनाते थे तो उसमें बांधना पड़ता था जूते को पैर से, अब वो जूता भी थोड़ा रुकने लगा है। कल मैं 2-3 दिन से मैं चाचा के घर पे अपने चली गई थी, पास में ही है नानी के घर के पास में, तो जब कल आई वहाँ शाम को चाचा के घर से तो देखा नाना भी खुश, नानी भी खुश, और मैं भी बहुत खुश हो गई। फिर बहुत बहुत शुक्रिया आपका हकीम साहब। और ये पूछना था हकीम साहब कि नानी के जिस्म में और सिर में दर्द रहता है तो क्या उसके लिए गोंचा दे सकते हैं नींबू अदरक लहसुन वाले नुस्खे के साथ? ठीक है, और कोई सवाल श्री? और
और दूसरा सवाल है हकीम साहब, आपने मालिश के लिए बताया था नानी को, तो कौन से तेल से मालिश करनी है, और मालिश नीचे से ऊपर की तरफ करनी है या ऊपर से नीचे की तरफ, ये बता दीजिए, और कौन से तेल से? ठीक है। और तीसरा सवाल है हकीम साहब, आज सुबह के प्रोग्राम में जो एक कॉलर ने एक क्वेश्चन किया था पसीने की स्मेल के लिए, तो हकीम साहब मैं ये बताना चाहती हूँ कि मेरी जो छोटी बहन है जिसको कॉन्स्टिपेशन के साथ साथ पसीने की स्मेल की भी प्रॉब्लम थी, तो उसने आपके वो दो नुस्खे लिए, छह चीजों वाला नुस्खा एक और एक दूसरा अलसी और खाने छोड़े वाला, तो उसको इन दोनों ही परेशानी में फायदा हुआ, लेकिन ये नहीं पता कि हकीम साहब ये पसीने वाली प्रॉब्लम किस नुस्खे ने उससे ठीक हुई, तो ये पूछना था हकीम साहब। ठीक है, मुबारक आपको भी बहुत बहुत, नानी की को फ़ायदा हो रहा है, फालिजदा नानी को, और आप तो बहुत ही कनेक्टेड हैं अपनी फैमिली से, कभी आप अपने चचा के यहाँ पाई जाती हैं तो कभी नानी के यहाँ और कभी अपने घर, सलामत रहें, खुश मिजाज भी हैं। और क्या सवाल है? दर्द के लिए गौंसिया और साथ में जो तीन चीज़ आप बताते हैं, नींबू, अदरक, लहसुन, इनका? हाँ, ज़रूर दे सकते हैं, ज़रूर दे सकते हैं। सर में दर्द के लिए वो एक्सरसाइज जो मैं बताता हूँ, गर्दन की ये वाली और ये वाली, ये तीन तीन मिनट कराएं। और तेल आप जो मुंतखब करें, जो भी आपको पसंद हो, सरसों का तेल भी अच्छा होता है, नारियल का तेल भी अच्छा होता है, जैतून का तेल भी अच्छा होता है, जिससे चाहे मालिश करें और नीचे से ऊपर की तरफ करें, जैसे हाथ हैं तो ऐसे करें, ऐसे, और पैर हैं तो ऐसे करें, इस तरह से, तो ज़्यादा बेहतर होगी। मालिश ऊपर से नीचे भी की जा सकती है, इससे खून में तहरीक आती है, यानी खून में खून एक्टिव होता है और फिजियोथेरेपी का सा काम करती है। बहुत जल्दी आपकी नानी भी अच्छी हो सकती है, और वो नुस्खा दे सकते हैं उनको, चार चीज़ों वाला, नींबू, अदरक, लहसुन और जैतून के सिरके वाला, उनको बहुत फ़ायदा देगा, बल्कि दिया ही करिए। और जिस्म के दर्द के लिए गौंसिया बेहतर है, आप उन्हें देते रहें, इंशाल्लाह बहुत जल्द खुशखबरी और ज़्यादा आपकी नानी के ताल्लुक से मिलेगी। जी, पसीने में जो स्मेल आती है जी? हाँ, देखिए, ये अलसी और नमक जैतून वाला नुस्खा से ये फ़ायदे होते हैं, क्योंकि ये किडनी को मजबूर करता है ये नुस्खा, के खून की सफाई करे, खून की सफाई हो गई तो पसीने की बदबू जाना मुमकिन है। जी, महाराष्ट्र से हैं उल्लास जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम। नमस्कार सर। मेरे को पेट में तो वो गैस और चिकना मल आता, उसके लिए प्रॉब्लम ही है, और मेरे को ना थोड़ा पैरालिसिस टाइप था, क्या मैं जैतून का सिरका, लहसुन और अदरक और ये तीनों चीज का ये जूस ले सकता हूँ क्या? मैंने बुलाया, सब आपकी यहाँ से बुलाया हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक जी। फालिज वालों के लिए तो अमृत है वो नुस्खा, जो अदरक, लहसुन और नींबू का रस एक एक लीटर और जैतून का सिरका एक लीटर, अगर ये फालिज वाले लें तो बहुत अच्छा है। जैसे अभी आपने सबसे पहली कॉल पर सुना कि उनके फालिज ज़्यादा, जो उनकी नानी थी उनका पैर वगैरह सब चलने लगे, तो आप ज़रूर लीजिए। अगर ऐसा है तो ये बहुत सारे फ़ायदे करता है, एक तो कोलेस्ट्रॉल को ढूंढ कर निकालता है जहाँ भी जिस्म में जमा हुआ हो। फालिज वालों को दिमाग की बहुत बारीक नस में कोलेस्ट्रॉल जम जाता है, जिसकी वजह से फालिज होता है, तो आप इसे ज़रूर ले सकते हैं। और एसिडिटी के लिए आप बाहर से भी इलाज ले सकते हैं, ये नुस्खा भी ले सकते हैं, ये नुस्खे धीरे धीरे फ़ायदा करेंगे, और एसिडिटी की कोई भी गोली आप साथ में इसके चाहें तो ले सकते हैं। जी, बुलंदशहर से हैं रूबी जी, स्वागत है आपका। हाँ जी मैम जी, नमस्ते जी। नमस्कार मैम। हाँ जी डॉक्टर, नमस्ते सर। सर जय हिंद, स्वागत। हाँ जी डॉक्टर साहब, आपकी नुस्खों से बहुत आराम है हमें, लेकिन आज मेरे दो सवाल हैं। मैं ज्यादा फोन नहीं करती हूँ क्योंकि सबसे नंबर आने चाहिए, मैं आपको दिल से बहुत शुक्रिया करती हूँ।
इसलिए हम फोन खड़े नहीं करती हूँ। और मेरे यहाँ दो सवाल है सर, एक तो मेरा ये है कि मेरे को ना सांस फूलने की बहुत दिक्कत है, मतलब जब अंग्रेजी दवाई खाती हूँ मैं जबी सही होती हूँ, कोई ऐसा हो नुस्खा आपके पास जो मुझे अंग्रेजी दवाई ना खाना पड़े। सांस की दिक्कत? हाँ जी, सांस में चलती हूँ जैसे सीढ़ी वगैरह तो सांस फूल जाता है, और वजन उठाती हूँ तो सांस फूल जाता है। और दूसरी समस्या ये है मेरी उंगलियों के बीच में ना खुजली होती है, पैरों की उंगलियों के बीच में बहुत खुजली होती है, ये समस्या है मेरी। और ये नमक जैतून के साथ में सोडा ये खा रही हूँ मैं सर, जैसे कि मेरे को सांस की एलर्जी है तो थोड़ी सी ये सोडा नुकसान तो नहीं करेगा मेरे को, बस ये पूछना था। और बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब के लिए। जी धन्यवाद। रूबी की ये खूबी है कि ये हमारे शहर बुलंदशहर की हैं, मैं भी बुलंदशहर से आता हूँ, कस्बा बगरासी से, तो जब भी ये फ़ोन करती है मैं अंदर से खुश हो जाता हूँ कि हमारे हम वतन का फ़ोन आया। और बहुत मुबारक कि आपको फ़ायदा शुरू हो गया, और थोड़ा सा संयम बरते, ये जो नुस्खा आप ले रहे हैं नमक जैतून और खाने का सोडे वाला, इससे आपकी तमाम जो एक्स्ट्रा चर्बी और फेफड़े और कफ और कहीं अगर दिल के आसपास चर्बी है और या दिल की रगों में चर्बी हो तो ये उन सबको साफ करता है। थोड़ा सा संयम बरतिए, दो चार महीने लगातार ये नुस्खा लीजिए। अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो भी इससे आपका वज़न आपके ज़रूरत के मुताबिक आना है, और आपको फ़ायदा शुरू हो गया। अब तो पेशगी मुबारकबाद आपको मैं देता हूँ कि आप बहुत जल्दी पूरी तौर पर अच्छी होने वाली है।